कैसे हो आप सभी लोग? मैं भी बहुत अच्छे से होंगे। आपकी स्टडी है वो भी बहुत अच्छे से चल रही होगी, इसीलिए स्टडी मटेरियल्स को और भी अच्छा करने के लिए हम लोग चैप्टर 9 को क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। यानी कि आज की क्लास एक क्लास और होगी आपकी, उसके बाद में चैप्टर जो 9 है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो सभी स्टूडेंट्स पहले तो चैप्टर 9 से रिलेटेड सभी वीडियो को अच्छे से देखेंगे ताकि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग बीच कुछ वीडियो तो देखते नहीं हैं, फिर आगे के वीडियो देखते, फिर क्या कहते हैं चैप्टर समझ में भी नहीं आया हमारे। तो जब तक आप स्टार्टिंग से वीडियो को नहीं देखोगे तब तक आपके चैप्टर समझ में नहीं आता है, ये आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। इसीलिए सभी स्टूडेंट्स पहले सभी वीडियो को देखें, फिर उसके अंदर कंटिन्यूटी बनाए रखें अपनी स्टडी की, क्योंकि स्टडी करना बहुत कंपलसरी है बेटा। तो आप लोग अच्छे से स्टडी कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो आपको तो आप लोग डायरेक्ट मुझसे डिस्कस कर सकते हो कि हमें प्रॉब्लम चल रही है। लेकिन प्रॉब्लम तो तभी आएगी जब आप लोग अच्छे से स्टडी करोगे, तभी आपकी प्रॉब्लम होगी और तभी आप लोग मुझसे प्रॉब्लम सॉल्व करवाओगे। यानी कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक ना तो होमवर्क सेंड किया है ना, ना वो कोई टेस्ट दे रहे हैं। तो सभी स्टूडेंट्स अपनी स्टडी को रेगुलर रखें, इसी रेगुलरिटी को ले रहे हैं अपन। और अपने टॉपिक का क्या नाम है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब एसेक्सुअल, देखो ए या ए है ना, ए मीन्स क्या होगा, वन। आगे बात समझ में, देखिए सेक्स, सेक्स का मतलब होता है एक मेल और एक फीमेल, ठीक है, एक मेल और एक, यानी सेक्स दो होते हैं, एक मेल होता है एक फीमेल होता है। यानी कि आपको अब नाम से पता चल गया ना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होगा। ए मीन्स वन है ना, सेक्स मीन्स मेल या फीमेल, यानी ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें या तो मेल इन्वॉल्व होगा या फिर फीमेल इन्वॉल्व होगी, दोनों नहीं होते, क्योंकि दोनों होते तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है। तो ये आप बता सकते हो, द न्यू इंडिविजुअल्स या न्यू ऑफ स्प्रिंग आर प्रोड्यूज बाय द सिंगल पेरेंट्स, सिंगल पेरेंट्स, ठीक है। बस आपको इतनी छोटी सी डेफिनेशन ही याद रखनी, आपको ये नहीं याद रखना कि वेयर इज नॉट फाउंड द फ्यूजन्स ऑफ द गैमेट्स, क्योंकि देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, दोनों पार्ट लेते हैं ना, लेकिन यहाँ पे तो कौन पार्ट ले रहा है, केवल एक ही ले रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे ना तो गैमेट बनेंगे और ना उनका फ्यूजन होगा, किसके अंदर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। तो ओनली सिंगल पेरेंट्स आर इन्वॉल्व इन द रिप्रोडक्शन, दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज नॉन एज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉन एज द, यानी आप और इजी से मैं इसको बोलना चाहो तो फादर या मदर में से एक ही भाग लेता है, ठीक है, यानी एक ही लेगा, या तो मेल भाग लेगी या फीमेल। तो सिंगल पेरेंट्स आर इन्वॉल्व इन द रिप्रोडक्शन इज नॉन एज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी एक ही चली। क्लियर हो गई इतनी बात आपके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डेफिनेशन में भी याद भी हो गई होगी। क्या डेफिनेशन है, रिपीट कीजिए मेरे साथ साथ में, क्या डेफिनेशन होगी, ए रिप्रोडक्शन इन विच ओनली इन्वॉल्व द सिंगल पेरेंट्स, या फिर आप बता दो रिप्रोडक्शन इन विच ओनली ए सिंगल पेरेंट्स इज इन्वॉल्व इज नोन एज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। याद होगी ना डेफिनेशन सभी के। चलिए अब आगे आपके अपन करेंगे अपन मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक बात ध्यान में रखिएगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो बेबी प्रोड्यूस, आप बेबी बता दो, ठीक है, ऑफ स्प्रिंग बता दो, है ना, जो बनेगा ना वो किसके सिमिलर होगा, अपने पेरेंट्स की फोटोकॉपी होगी, सेम वैसा का वैसा होगा, सेम टू सेम वैसी की वैसी फोटोकॉपी बनती है, एक ही तो पेरेंट्स से बना है, डिफरेंस तो आएंगे नहीं भाई। डिफरेंस तो तब आते ना जब आधे करेक्टर्स मेल के आधे आधे फीमेल के आते, तो नया करेक्टर्स बन जाता, तो यहाँ ऐसा तो कुछ है नहीं, द ऑफस्प्रिंग आर सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। चलिए अब अपन बात करते हैं मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
क्या है, मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आपके सिलेबस के अंदर दो मेथड्स दे रखे, तो अपन वो दो ही करेंगे। एक मेथड का नाम है बडिंग। क्या नाम हो जाएगा? बडिंग। क्या है, वापस से रिपीट कीजिए मेरे साथ में। एक मेथड का नाम क्या है? बडिंग, BUDDING, बडिंग मेथड। और सेकंड क्या है? बाइनरी फिशर। बाइनरी फिशर कितनी मेथड है, रिपीट कीजिए। टू मेथड, फर्स्ट मेथड इज द बडिंग और सेकंड इज द बाइनरी फिशन। चलिए, बडिंग का एग्जाम्पल आप लोग ध्यान में रखोगे हाइड्रा। क्या है, एनिमल्स की बात कर रहे हैं अपन, तो एनिमल्स में बडिंग का एग्जाम्पल क्या है? हाइड्रा। और बाइनरी फिशन का एग्जाम्पल क्या होगा? यूनिसेलुलर अमीबा। क्या हो जाएगा? यूनिसेलुलर अमीबा। याद हो गया, कितनी मेथड है? टू मेथड। कौन कौन सी? बडिंग इन हाइड्रा, बाइनरी फिशन इन अमीबा। याद हो गए ना दोनों के एग्जाम्पल। चलिए अब अपन बात करते हैं बडिंग की। देखिए, बडिंग में क्या होता है कि पहले तो इसकी डेफिनेशन देखिए। जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी ऑर्गेनिज्म में एक क्या बनेगी? बड बनेगी। ठीक है, वो बड धीरे धीरे क्या करेगी? ग्रो करेगी। क्या करेगी? ग्रो करेगी। और ग्रो करके वो अपने पेरेंट से क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी। और पेरेंट से अलग होकर के एक न्यू ऑर्गेनिज्म बना लेगी। तो देखिए, इन दिस प्रोसेस ए बड अराइज फ्रॉम द बॉडी, द बड ग्रेजुअली इंक्रीज टू फॉर्म ए न्यू ऑर्गेनिज्म देन सेपरेट फ्रॉम द पेरेंट्स। यानी पहले क्या बनी? बड बनी। बड धीरे धीरे क्या करती है? ग्रो करती है। और बड ग्रो करके अपने पेरेंट्स से क्या हो जाती है? सेपरेट हो जाती है और एक न्यू ऑर्गेनिज्म का क्या कर लेती है? फॉर्मेशन कर लेती है। आराम से डेफिनेशन सुनिए पहले, तो फिर हाइड्रा का एग्जांपल समझाऊंगी मैं आपको। ड्यूरिंग द बडिंग प्रोसेस ए आउट ग्रोथ, आउटग्रोथ यानी बाहर की तरफ, ए आउट ग्रोथ फॉर्म इन द ऑर्गेनिज्म इज नोन एज द बड इज ग्रेजुअली इंक्रीज सिमिलर टू द पेरेंट्स। आफ्टर द बर्ड्स सेपरेट फ्रॉम द पेरेंट्स टू फॉर्म ए न्यू इंडिविजुअल्स इज नोन एज द बडिंग। देखिए, इन द हाइड्रा, पहले यहाँ पे मैं हाइड्रा का डायग्राम बनाती हूँ, आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए, हाइड्रा का डायग्राम ऐसे होता है, ये हाइड्रा है, ठीक है। इसके यहाँ पे ये टेंटिकल लगे हुए हैं जिनकी हेल्प से ये फूड लेता है। ये हो गया हाइड्रा। किसका फिगर है ये? हाइड्रा का, ध्यान में रखना, ठीक है। वॉटर में रहता है हाइड्रा। चलिए, सबसे पहले क्या होगा कि यहां ना, यहां इसकी ऐसे ऐसे बहुत सारी सेल्स बन जाएगी, यहां पर ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, बन गई ना बहुत सारी सेल्स। तो देखिए यहाँ पे, यानी बाहर की तरफ आउटग्रोथ होगी। बताया था ना मैंने कि बाहर की तरफ एक क्या होती है? आउटग्रोथ होती है, जिसको क्या बोलते हैं? बड। तो देखिए, सेकंड डायग्राम देखिए आप लोग, स्ट्रक्चर सिमिलर ही बनेगी, भी ध्यान में रखना। सेकंड डायग्राम देखिए, ये तो हाइड्रा हो ही गया, थोड़ा बड़ा बनाऊं क्या? ऐसे ये तो हाइड्रा है ही, है ना। बाहर ये यहां पर थे ना, तो बाहर की तरफ ये क्या बन गई? एक बड बन गई। इसको आउटग्रोथ हो गई, जिसको क्या बोलेंगे? बड। आउटग्रोथ हो गई ना, बाहर की तरफ ये ग्रो कर गया। तो ए आउटग्रोथ अराइज ऑन द बॉडी इज नोन एज द बड, और द बड आर ग्रेजुअली इंक्रीज सिमिलर टू द पेरेंट्स। देखिए आगे क्या होगा, ये तो हाइड्रा है ही, पेरेंट्स है ये, ठीक है, ये तो क्या है? पेरेंट्स। यहाँ क्या बन रही थी? बड। अब देखिए, बड है ना ये, बड ये भी किसके जैसी दिखाई देने लगी? अपने पेरेंट्स के जैसी। देखिए बन गई ना ऐसी, और ये पेरेंट्स है ही, ये लीजिए। अब देखिए, पहले क्या बनी? बड बनी। बड ग्रेजुअली इंक्रीज होकर के किसके जैसी दिखाई दे रही है? अपने पेरेंट्स के जैसी दिखाई दे रही है। फिर ये अपने पेरेंट्स से क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी। क्या होगी? कैसे हो जाएगी अलग? तो देखिए, दो बन जाएंगे, एक
से कितने हाइड्रा बन जाएंगे, दो हाइड्रा बन जाएंगे। तो देखिए, एक तो ये रहा पेरेंट्स खुद है ही एक तो, और ये इसका क्या हो जाएगा डॉट, ठीक है। एक से कितने बन गए, देखो पहले एक था ना, कितने बन गए, एक ये रहा, एक ये रहा, दो बन गए। ये थोड़ा बोर्ड छोटा पड़ रहा है बच्चों, आप लोग दिखा दे रहा होगा मे भी आपको, है ना। ऐसे दो बना दीजिए, ठीक है, बन गए ना। इनको क्या बोलते हैं पेरेंट्स, ये तो थे पेरेंट्स हाइड्रा, वो क्या हो गए डॉटर हाइड्रा हो गए। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए डायग्राम से डेफिनेशन देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ए आउट ग्रोथ ऑन द ओरिजिनल बॉडी या पेरेंट्स बॉडी, द आउट ग्रोथ इज नोन एज द बड आर ग्रेजुअली इंक्रीज टू फॉर्म द सिमिलर फॉर्म, देन आफ्टर सेपरेट फ्रॉम द पेरेंट्स और फॉर्म द डॉटर हाइड्रा या फॉर्म द डॉटर इंडिविजुअल्स, दिस प्रोसेस इज नोन एज द बडिंग। क्लियर, किसी कोई दिक्कत नहीं आई, इसको क्या बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए अब अपन बात किसकी करते हैं, बाइनरी फिशन। क्या पढ़ेंगे अब, बाइनरी फिशन, बाइनरी फिशन। एग्जांपल क्या बताया था, रिपीट कीजिए, अमीबा। अमीबा इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अमीबा क्या होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। देखिए चलिए, तो देखिए बाई, बाई मानी दो, फिशन मानी टुकड़े, एक अमीबा से कितने अमीबा बनेंगे दो। चलिए पहले अमीबा बनाते, इरेगुलर फॉर्म, कैसे भी फॉर्म बना लीजिए अमीबा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये इसका क्या हो गया न्यूक्लियस, इसमें क्या पाया जा रहा है साइटो, ये तो हो गया न्यूक्लियस, इसमें क्या पाया जा रहा है साइटोप्लाज्म, क्या होगा साइटोप्लाज्म। बाहर वाली मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, एट वाला चैप्टर किया था ना सेल मेम्ब्रेन। चलिए देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, इसका जो न्यूक्लियस है ये डिवाइड होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिवीजन इन द न्यूक्लियस, द वन न्यूक्लियस डिवाइड इन टू द टू न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस से कितने न्यूक्लियस बनेंगे। देखिए कैसे बनेगा, ये अमीबा है ना, क्या है अमीबा, पहले क्या हुआ ऐसे एक फॉर्म बनी, ये लीजिए ये दो न्यूक्लियस दो बनने लगे ना, ये हो गया साइटोप्लाज्म। फिर देखिए आगे क्या होगा, ये अमीबा और इसमें कितने न्यूक्लियस बन गए टू न्यूक्लियस, तो इसको क्या बोलते हैं डॉटर न्यूक्लियाई, ये था पेरेंट्स न्यूक्लियस, अब इनका नाम क्या हो गया डॉटर न्यूक्लियाई, तो मैं यहां लिख दूं डॉटर न्यूक्लियाई, ठीक है। अब उसके बाद में जैसे ही डॉटर न्यूक्लियाई बनते हैं, ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना, ये भी अंदर की तरफ ऐसे धस जाएगी, देखिए धस गई ना, एक न्यूक्लियस इसमें आ गया, एक न्यूक्लियस इसका क्या हो गया साइटोप्लाज्म, और यहां से कितने अमीबा बन गए टू अमीबा बन गए, ये साइटोप्लाज्म, इनको कौन से अमीबा बोलेंगे डॉटर अमीबा बन गए ना, इनका नाम क्या हो गया डॉटर अमीबा। देखिए अब भाई आराम से देखिए, बाइनरी फिशन, तो बाइनरी फिशंस के अंदर क्या होता है कि जो सिंगल और सिंगल सेल्स होते हैं ना यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती है, इन दिस प्रोसेस फर्स्ट ऑफ ऑल डिवीजन इन द न्यूक्लियस, फर्स्ट ऑफ ऑल डिवीजन इन द न्यूक्लियस टू फॉर्म द टू न्यूक्लियाई नोन एज द डॉटर न्यूक्लियाई, देन आफ्टर उसके बाद में क्या हो डिवीजन इन द साइटोप्लाज्म, डिवीजन इन द साइटो प्लाज्म टू फॉर्म द टू अमीबा, दिस अमीबा इज नोन एज द डॉटर अमीबा। अब आप ध्यान में रखिएगा कि मैं ऐसे बोल रही हूँ ना, डॉटर न्यूक्लियाई बोल रही हूँ, डॉटर अमीबा बोल रही हूँ, तो आप लोग केवल क्या समझो डॉटर ही है, लड़की बन रही है, लड़का तो बन ही नहीं रहा। ऐसा नहीं होता बेटा कि जो नई सेल्स बनती है उसको अपन डॉटर वर्ड ही देते हैं, ठीक है, उसे मेल और फीमेल में कोई फर्क नहीं पड़ता। कि आप ये सोचो कि डॉटर है इसका मतलब फीमेल बनी है, नहीं,
एक सेल से दो सेल्स बनती है तो नई बनने वाली सेल्स को क्या नाम देते हैं, डॉटर सेल ही नाम दिया जाता है। तो ये आपके समझ में आ गया ना, पहले एक न्यूक्लियस से कितने न्यूक्लियस बने, दो। फिर देखिए सेल मेम्ब्रेन अंदर चली गई ना, अभी और अंदर चली जाती है ऐसे, जैसे फिर यहां से टूट गई, टूटने से कितने अमीबा बन गए, टू अमीबा बन गए। डेफिनेशन देखिएगा, ड्यूरिंग द बाइनरी फिशन फर्स्ट ऑफ ऑल डिवीजन इन द न्यूक्लियस टू फॉर्म द टू न्यूक्लियस, देन आफ्टर डिवीजन इन द साइटोप्लाज्म, डिवीजन इन द साइटोप्लाज्म टू फॉर्म द टू न्यू ऑर्गेनिज्म, दिस इज नोन एज द बाइनरी फिशन, दिस इज नोन एज द बाइनरी फिशन। और बाइनरी फिशन का एग्जाम्पल आप क्या कर दोगे, अमीबा कर दोगे, ठीक है। तो एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होता है, सिंगल पेरेंट से होता है, ध्यान में रखिए किससे होता है, सिंगल पेरेंट से। चलिए अब अपन थोड़ा सा सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस देख लेते हैं। चलिए अपन सेक्सुअल और एसेक्सुअल में जो डिफरेंस है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, है ना। आज के लिए आपके पास में इतना ही मैटर है, नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन क्या करेंगे, डिफरेंस बिटवीन द सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नेक्स्ट क्लास में करेंगे ये वाला टॉपिक।